तो बेहद ही रोमांचक विधानसभा सीट बोचाहा पर अब एक और नया अपडेट है। नया अपडेट यह है कि तेजस्वी से बात करने के बाद रमई राम संतुष्ट नहीं रहे। आरजेडी ने अमर पासवान को लड़ाने का फैसला किया था और रमई राम भी अपनी बेटी गीता कुमारी को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते थे। अब वो मुकेश सहनी के बंगले पहुंच गए हैं और ज़्यादा कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी से वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की सहमति बन जाएगी और मुकेश सहनी भाजपा के साथ साथ तेजस्वी से भी अपना बदला पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि भाजपा से अलग होने के बाद उन्हें तेजस्वी की तरफ से कुछ आश्वासन मिला था, मगर बाद में जब तेजस्वी ने उनके ही रेस के घोड़े को चुनाव से पहले ही अपने पाले में ले लिया, यानी कि अमर पासवान जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं उन्हें अपने पाले में ले लिया, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी धोखा खाया हुआ सा महसूस कर रहे थे। अब जब मुकेश सहनी के पास रमई राम पहुंचे हैं तो कयास यही लगाई जा रही है कि रमई राम की बेटी गीता कुमारी अब वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। पता होगा कि एक म्याम में दो तलवारें नहीं रहती हैं और उसी तरह वहां से पहले ही एनडीए ने अपने एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया है और आपने देखा कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूंगा। मुकेश सहनी की पार्टी को उम्मीद थी क्योंकि आपके पिताजी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब जीवित थे, जी उनका आशीर्वाद भी था आप पर, लेकिन उन्हें उम्मीद था कि आप उनके साथ लड़ेंगे, तो क्या लगता है कहाँ बातें बिगड़ गई, क्या मुकेश सहनी ने गलत किया बीजेपी के खिलाफ होकर? अजी के 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई और यहाँ पे एक परिचलन चला आ रहा है बहुत पूर्व से भी कि जिस पार्टी के विधायक जो कार्यकाल में रहते हैं उनकी देहावसान हो जाती है तो उनके परिवारजनों को टिकट मिलता है। अगर हाँ वो उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस क्रम में किसी और को दिया जाता है, लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूँ और सब चीज़ और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। गलती किसकी है, बीजेपी की मुकेश सहनी की? यहाँ पे उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा ये जी जी राजद मैंने ज्वाइन कर लिया जी, हम ही चुनाव लड़ेंगे जी आरजेडी से। अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सुना आपने, अमर पासवान को आरजेडी की उम्मीदवारी जोर शोर से करने को तैयार है। अब आगे देखना है कि मुकाबले में कितनी बड़ी टक्कर मिलती है बोचाहा से पूर्व विधायक रही बेबी देवी से। साथ ही एक नया एंगल इस मामले में ये आ गया है कि अब मुकेश सहनी की पार्टी से रमई राम की बेटी गीता कुमारी उम्मीदवार होने जा रही हैं। तो अब रण त्रिकोणीय है और बेहद ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि रमई राम की भी लेगेसी बोचाहा सीट पर बहुत पुरानी रही है। वहीं बेबी कुमारी भी वो हैं जो रमई राम को हरा कर 2015 में निर्दलीय जीत कर आ गई थी। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।